बेटी इस फोन ने बंद कर ले, मेरा फोटो तेरे के काम आओगा। हम पढ़ा करते जद मरा बटे के फोन कौन थे निमार दो रवि एक आधी मिस कॉल आवर ई मिस कॉल की जगह मिसिज कॉल आने लाग गई। कल हिसार के कॉलेज में छोरिया ने समझान लाग रहा था, मखा बेटा गणी सेल्फ फिर मिस कॉल के चक्कर में ना रहा करो। इतनी आड़ में मरा बटा का मेला बाज पड़िया। एक बेबे ने बोली भाई साहब आपकी आ गई मिस कॉल मा छोरी, मिस कॉल नहीं मिसिज कॉल है। बोली भाभी जी ने का फोन आपने आधी मिनट में काट दिया। मखा आपकी लुगाई का फोन तो भारती जी 10 सेकंड में काटना पड़े, पक्की बात है। न्यू कहना पड़े मीटिंग में हूं मीटिंग में। बोली आपने भाभी जी का फोन 10 सेकंड में काट दिया। मखा वहां 5-6 सेकंड में गणी बात कहेगी। बोला के कहेगी महवान ने बोली इस हारतानदा सरफ का पुड़ार बुहारी लाइए। मैं चैलेंज करके जा रहा हूं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जहां का मैं विद्यार्थी रहा हूं। शर्मा जी तेजेंद्र पाल जी, इस विश्वविद्यालय में कोई भी आपका स्टूडेंट गल या कोई भी आपकी लोग आए गल 5 मिनट बात करके दिखाता तो 50,000 का इनाम मेरे पे ले जियो। आज किसी की चौधर में घाटा नहीं, पीपे माटा नहीं, आना की कमाई नहीं, मिनट की फुर्सत नहीं, सारे फोन पे माखी सी मारे जे हैं। लेकिन फोन समय की आवश्यकता है। छोरियो पढ़ा करो बेटा, गणे फोन ना का चक्कर में ना रहा करो। आज सारी चीज प्राइवेट पसंद होती जा रही है, शिक्षा भी प्राइवेट होती जा रही है, बस प्राइवेट, स्कूल प्राइवेट पसंद, अस्पताल प्राइवेट पसंद, अरे बनड़े सरकारी। और न्यू कहेंगे सगाई कर दी मारी चोरी काम नहीं करेगी और सांप पकड़ेगी। जो ये कलकी मारे हैं आधा जुगाड़ तो आप कर दो, आधा मैं कर दूंगा। आप बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप इन ती पैरा पकड़े कर दो, पाटड़ा पकड़े मैं कर दूंगा। रहो पछलो जोरदार ताड़ी बजाओ, नहीं अगला जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। हमारा गीत संगीत बदलता जा रहा है, हमारा कहने और बोलने के तरीके बदलते जा रहे हैं। पहले गांव की छोरी लुगाई गीत गा करती, राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बनखंड जा। ईबे छोरी गीत गाऊंगी से पहले बीन बजाइए तो मारी गाल माइए। मैं चालू तेरे साथ और के चाव है। एक बूढ़ा नवला छोरी हो तम तो सपेलिया गल चाल जो कि दुआड़ी पाछे बटे हुआ होगा उस गला गाम के सरपंच नगा लांगे। हमारे हंसने और कहने के तरीके हैं। पहले बच्चे बहुत अच्छे गीत गा करते, ईब छोरे गीत गाऊंगे मित्रानु क्यों तेरी पुंजड़ी पे पैर टिक रहा है। मरा बटा के बाल देख ले जिन्होंने लुकमा चाड़े पड़ रखे हैं। गणी कलकी मारेगा जो थर्ड गेट पे गाड़ दूंगा और कड़पे लिख दूंगा धरोहर 500 मीटर। छोरा गीत गान लाग रहा, मित्रा नु शौक हथियार था उसका बाबू सुना था। बोला तेरी मां तो गंठे भी गिलास गल चीरे चक्कू भी कोई नहीं। फिर गीत गाऊंगे तेरी कोठी में बनवा दू चंडीगढ़ शहर में गोरी है नी। उसका बाबू ने बोला गोखड़ी का डारा है बनवा लेने। रहो न्यूए कलकी मारे जाओगे नहीं हर 7 आदमी रांडा रहेगा। अरे इन छोरिया देखे के कलकी मारे तो सारी फूलानी कार में जाएंगी। अरे तब न्यू लिखाओगे चुकर मंडेरा बा बंदर, पर तारा भी फूलानी कार का प्रबंध करके जाऊंगा। ये बेबे और बैठ के ही सार का नहीं आऊ गल बैठ के आ जियो। एक बुढ़िया का सांप लड़ गया, बहु यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, बुढ़िया का सांप लड़ गया, पड़ोसन ने फोन करा एत्री सासू का सांप लड़ गया। अरे वाह प्रोफेसर बहु मने मन में राजी होगी। बोली गुंठिया का लाजरी लाग है, डिपार्टमेंट के हेड बड़े सख्त आदमी है, छुट्टी को देवे बेबे दिखा लो। घंटे पाछे बाज बाज के घंटी ले, बहू ने फिर फोन करा पड़ोसन दो राय मेरी सासू का के ज्ञान। ने बोला बेबे लीली पड़गी मरेगी। अरे बहू फिर बाज बाज के पढ़ाओ, नहीं सोच 12 बजे ती रिजल्ट आ लेगा। घंटे के पाछे फिर फोन करया, आए मेरी सासू का के ज्ञान। पड़ोसन ने बोली पुंडरी ले गए थे, राम है डांड बैद पै गया, जहर चूस लिया, तेरी सासू बच गई, खटोला बैठ के चाह पीन लाग रही है। अरे मास्टर नहीं बहू ने मरा माथा माथा है सारा सौदा मिलावट चाल पड़ी ना तो पेलड़े सांप रे ना पेलड़ा जय रहा। सुर संध्या का मेरी प्रस्तुति कार्यक्रम समाप्त करने के अपने भाई आजाद दुवन ने दे अनुमति, सारे बाण भाइया ने राम राम।